11:59 हुए, केक नहीं आया अभी, उसको 15-20 मिनट और लेंगे। इंडियन है अपना भाई, आज सिर्फ 4 घंटे लेट है, क्या कमी आ रही है इसके में? भाई मन्नू का बाप मिल गया है। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो भाई, इसको मार दो बहन, जो इसका अनसब्सक्राइब नहीं इसको मार। अब लाइक सब्सक्राइब नहीं करते यार, दिल से बुरा लगता है। चलो यार हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज अमर लिफ्ट। सो गाइस अभी रात के 11:51 हो रहे हैं और मैं इतना घटिया बेटा हूँ, इतना घटिया इंसान हूँ मैं, कि मैं अपनी माँ का बर्थडे भूल गया और अभी भाई ने मेरे को ध्यान दिलाया और फटाफट से मैंने केक ऑर्डर करा है ताकि बस आ जाए 12 बजे के आसपास। भाई साहब इतना वो लग रहा है, चलो कोई नहीं, अब मम्मी उधर कमरे में है, वहाँ जाके केक वेक काटते हैं और दिन शुरू करते हैं, दिन नहीं मतलब व्लॉग शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। 11:59 हो गए, केक नहीं आया अभी, उसको 15-20 मिनट और लेंगे, बट कोई नहीं, विश तो करें अभी। आ जाओ अम्मा, बज गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माता जी। थैंक यू। केक अभी आ रहा है। बिना केक के भाई मेरे को याद नहीं रहा, मैं 30 तारीख हो गई, मेरा अभी वो चल रहा है ना, डेट का ध्यान ही नहीं रहता, कौन सी डेट चल रही है क्या। बेटा मैं सब जानती हूँ। अब बताओ क्या गिफ्ट लोगे, कैमरे में बोल रहा हूँ, जो कहोगे वो मिलेगा। 2 महीने बाद जो पहले हो। अरे चलो छोड़ो वो, आपको क्या बताना। आ रहा केक, आ रहा है अभी, बोल दिया मैंने। बाकी मम्मी को इतने टाइम से टाल रहा हूँ बाहर खाने जाने के लिए, तो फाइनली डिसाइड कर लिया है कि बड़ा भाई लेके जाएगा। बाकी मम्मी देखो क्या देख रही है, ये बाहुबली। तो भाई आज एक और बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी चीज, बर्थडे से ही बड़ी चीज, जो कि है गणेश चतुर्थी। मम्मी भाई देखो हर घर में ऐसा होता है ना कि एक एक वैसे हम, मेरी माँ मेरा रब। और भाई आज गणेश चतुर्थी है, माँ भी पैदा हो गई, गणेश जी भी, बट वैसे वो होता है ना कि हर घर में एक भगवान जी सबके फेवरेट होते हैं, तो अपने घर में गणेश जी रहे हैं हमेशा, है ना, है ना, कि मतलब पहले आरती उनकी चलेगी, सबसे ज़्यादा बड़ी मूर्ति उनकी आएगी। तो आपके में कौन सी है ये बताओ, और भाई मम्मी को नीचे विश कर दो, मैं भले ही कमेंट मिस कर दूँ एक, मम्मी सारे पढ़ती है, आगे बोलेगी इन्ने तेन गाल कड्डी। तेरी तारीफ करता पे है, ये वाली वीडियो अच्छी नहीं थी, ये बुरी थी, ये अच्छी थी, तो कमेंट कर दो, मम्मी खुश हो जाएंगी, है ठीक है। हैप्पी बर्थडे आंटी। माँ बोल दे। हाँ माँ बोल दो यार, माँ सबकी माँ माँ होती है, मजाक। ले आओ भैया ले आओ। तहस महस तो नहीं हो गया? हाँ जी भैया। तहस महस तो नहीं हो गया? नहीं नहीं भैया। थैंक यू भैया। मेरे घर आई एक नन्नी। निकालो यार, मैं एक हाथ से निकलेगा। मैंने इस पे एक चीज लिखवाई थी, उसने लिखी या नहीं लिखी वो पता नहीं अब। ओ लिख दिया ओए। कुछ खाओ। बोलो कुछ। और ये मैंने अभी मैं बोल रहा था वीडियो में, उससे पहले ही डिसाइड करके मैंने ये लिखवा दिया था। कितना बढ़िया बच्चा हूँ मैं, हैं हैं तुसी रब हो, मैं रब हूँ। तो भाई आज चीट चलेगा फुल। कोई नहीं, फटाफट जला दे। हैप्पी बर्थडे टू, एक बचा दो भाई भगवान के दर के लिए। Happy birthday to you. भाई middle class family और देसी हो तो ये करना पड़ता है। मंदिर में रख के आते हैं। चलो भाई अब आपको मिलेंगे कल, जिम पार्टी सब दिखाएंगे ठीक है। और मम्मी कह रही है गिफ्ट चाहिए, तो मैंने कहा मम्मी को घर लेके दे देते हैं ठीक है, तो नया घर अब YouTube मनी से। इंडियन है अपना भाई, अगर आप वो सुन पा रहे हो नेशनल एंथम तो समझ जाओ। सो गाइस ये लाइव स्ट्रीम चल रही थी और इंडिया के बंदों ने वर्ल्ड लेवल पे गोल्ड मेडल मारे हैं, सिल्वर मारे हैं, ब्रोंज मारे हैं, सब मारे हैं। 2-3 लड़के हैं, 3-4 लड़कियां सॉरी, और 53 और 59 केजी क्लास में, जूनियर सब जूनियर में दोनों में।
भाई मैं मतलब देख रहा था लाइव स्ट्रीम पर मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा था, मैं उधर वहाँ कुर्सी पे बैठा हुआ था तो एकदम से नेशनल एंथम चला, मैंने कहा है, फिर मैंने जाके देखा, मैंने कहा ओ भाई साहब, फिर वो होता है ना नेशनल एंथम चल रहा तो वी हैव टू स्टैंड, मतलब स्कूल में सिखाया था और मतलब होता है, मतलब करना ही पड़ता है एज अ रिस्पेक्ट ऑफ द फ्लैग ऑफ द नेशन। तो भाई बड़ी दिल में खुशी हुई, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दो फटाफट। भाई अभी ना एक बैड इस शक्ल का इंसान आएगा, उसको कुछ कह देना, उल्टी आ गई अम्मी, मार लिया वीडियो पे डाली तो मार लिया। हैप्पी बर्थडे तो बोल दो, हैप्पी बर्थडे बोल तो दिया आपको मम्मी, आपके इतना हो गया और क्या, ये मेरे लिए खाने लिए लेके आए, वो भी छोटी हो गई, खाने के लिए लेके आए मेरे लिए, खेलने जा रहे हैं आज जिम चले, जिम कौन सा, जिम कौन सा, कौन सा क्या, केक खा ले, केक खा ले, तेरे 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 उम्र की लड़कियां आती हैं वहां, हट यहां से, चलो मैं जा रहा हूं, ये होता है चैट बंदा, पिघलना नहीं है बाबू, ओ स्कूटी भाई चल, वो देख मम्मा आपकी दोस्त आ गई, चलो ओ नहीं नहीं भाई गिर जाएगा, अबे नहीं बैठ रहा हूं, क्या हो गया, फट क्यों रिया तेरी, मैं गिर जाता हूं, चल क्या है ये भाई, आगे कुत्ते नहीं बैठते वैसे बैठा हुआ, चल सीधा ले ले, ऑन कर तेरी, कर ऑन, ए आदमी तेरी, घबरा तो नहीं गया, चल मधुर, विराम मत दियो मेरे को, और सीख गया ओए, चल 80 पे ले जा, चल चल, वो तेरी बहन से धीरे कर, कंपटीशन खेलना है, धीरे कर धीरे कर, अबे धीरे कर, सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ जिम, और अपनी आज मैंने फेवरेट टी शर्ट और फेवरेट शॉर्ट्स पहनी हुई है, अबे घुमाया जिम जाना है, बंदा वहाँ वेट कर रहा है, एक घुमा लेगा, उतर पहले, तू गिरा देगा मुझे, थोड़ा हुआ भाई, बगावत लियो बस, क्या छोड़ी है ले, क्या कह रहे हो, ये अच्छा लग रहा है, कपड़ा देखने में भी अच्छा है, शाइन भी है, तो भाई मम्मी अप्रूव्ड है। सो गाइस ये जो टी शर्ट और शॉर्ट्स है ये दोनों जिमराट की तरफ से है, ये टी शर्ट है सुपर सिल्वा 0.0T, इसकी खास बात ये कि कोई ऑर्डिनरी कपड़ा नहीं है, फैब्रिक इसका बहुत डिफरेंट है और इसमें आपको पसीने वैसे नहीं आएंगे, तो इसमें आपको पैसेज नहीं दिखेंगे और स्मेल वेल बिल्कुल नहीं आएगी, शॉर्ट्स भी फुल खुली, मतलब इसके अंदर वो है 3D निटेड वेंट्स, तो एयर क्रॉसिंग अच्छी खासी है और पहन के मजा आता है, स्क्वाट करो कुछ ही वर्कआउट करते रहो तीन तीन चार चार घंटे, तो इन दोनों को चेकआउट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है पहले लिंक पे क्लिक करो और मेरा कोड M130 यूज कर लो और जाके खरीद लो फटाफट फटाफट फटाफट, मेरी फेवरेट है भाई, हर दूसरे दिन में डालता रहता हूँ, तो जाके एक बार चेकआउट कर ले। तो भाई भाई आ गया फिर से, आज सिर्फ 4 घंटे लेट है ना, आज सिर्फ 4 घंटे, बाकी आज ये व्लॉग करेगा पूरे जिम में, तो उसको वो देख लेना, मैं अपनी आपको बेंच दिखाऊंगा आज कितनी गांड बेंच करता हूँ आज मैं, ठीक है, और आज भाई भी आ रखे हैं इसका शूट करने के लिए और थोड़ा बहुत मैं भी करा लूँगा, ठीक है, तेरी है, ठीक है। भाई भाई तो 1 घंटे में परेशान हो गया, भाई आज जल्दी आया है ये, आज इसको पार्टी दूंगा मैं, साहब जल्दी आए हैं आज। सो गाइस बेंच स्टार्ट करते हैं, वॉर्म हो गया, लेट्स गो, अब एक और वॉक लूँगा 100 का, फिर उसके बाद टॉप सेट 105, 107 या 110 RP6 पे लेना है, टेम्पो पॉज, मतलब 3 सेकंड में नीचे लाना है, 2 सेकंड पॉज और फिर एक्सप्लोड ऊपर, और आज एक नई टेक्निक ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी जब करूँगा तब बताता हूँ, कौशल ने बताई थी कल, कल नहीं परसों, तो लेट्स ट्राई और देखते अच्छा फील होता है कि नहीं। तो जो मेन क्यू था वो इस पर अप्लाई नहीं करा, अब वो क्यू क्या था, जैसे मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो ट्रैप्स है इसके बीच में ऐसे ज़ूम कर रहा, मेरे को एक पेंसिल है और उसको पूरा ऐसे दबाता जाऊँ दबाता जाऊँ दबाता जाऊँ, और इस वाले सेट में भूल ही गया कितना चूतिया हूँ मैं। मिल गया है ये देखो, इसकी
की बहन की, मल्लू 4 घंटे लेट, उसका बाप 6 घंटे लेट। भाई ऐसा मत कर यार कौशल, सीनियर हूँ मैं तेरा, रिस्पेक्ट मी। मैं आ रहा हूँ आ रहा तो भाई बेंच हो गई है बहुत तगड़ी बेंच, और इसमें बहुत दर्द हो रही है भाई बहुत ज़्यादा। वो ना मैं ऐसे एकदम यार कैसे समझाऊँ, जैसे ये बार है इसको पहले मैं ऐसे पकड़ता था, अब इसको पूरा ऐसे करके पकड़ रहा हूँ ताकि एक्सटर्नली रोटेट कर पाओ एल्बोस को और ये पोजीशन रहे। और अब ये लोग डेडलिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पर और मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग करूँगा थोड़ी बहुत, बाकी अब मनु शूट करेगा, इसका चैनल चेक कर लेना। और भाई ऑसम कंटेंट कमिंग ऑन योर वे, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मेरा मन्नु भांग मोटर सबका, ठीक है। हो गया फोटोशूट? हाँ भाई हो गया। भाई क्या कमी आ रही है इसके में, शक्ल की? एक्सप्रेशन ही शक्ल। बातचीत क्या है, ये कह रहा है मुझे कि भाई तुम लाइट वेट लगा पर एक्सप्रेशन दे, मैं कह रहा हूँ बहन जो हैवी वेट लगा के हैवी एक्सप्रेशन देंगे फेक चीज नहीं करते अपन। हाँ ये तो है, रियल रहते हैं। सही तो कह रहे हो तो एकदम। सो गाइस जिम हो गया था एक नंबर, मन्नू और कौशल अभी भी लगे हुए हैं एंड एक अपनी एक ये दोस्त आ गई थी यहाँ पे पटेल नगर थी तो उसका कॉल आ गया था, मैंने कहा चला तेरे को स्पेशल रोल खिलाऊँ जहाँ से मैं रोज खाता हूँ। बाकी ये कॉन्शियस हो जाती है कैमरा देखते ही, तो ले पकड़ दो शब्द बोल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। बड़े टाइम बाद आई है, कहाँ थी तू? इसने मेरे को एक्चुअली वीडियो में लेना बंद कर दिया था। यार मैं सेल्फिश हूँ ना, जब तक मेरे को फायदा नहीं दिखता तब तक मैं लेता नहीं। बट व्यूज तो मैं ही दे रही थी ना। हाँ पॉइंट भी। चल अब जिम वर्कआउट पे दिमांशी। कमेंट करो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। यस बोल बोल, कोई नहीं अपने भाई हैं सारे। एक्चुअली इसने मुझे भी हमारे पूरे दिन का खाना एक मील में से भाई 5000 कैलोरीज की हमने कैलकुलेट करा था एक पर पर्सन और एक सिटिंग में। और अब मैं ऐसा हो गया हूँ बर्गर देखता हूँ ना मेरे को घिनाने लग जाता है। थैंक यू भाई। भाई आज मत कहियो गणेश चतुर्थी है प्लीज। मैं तो सुबह खा लिया भाई, इसको मार दो बहन चो, इसका अनसब्सक्राइब नहीं इसको मार दो। बाकी मैं कितना बढ़िया बंदा हूँ अपने पैसे खर्च के, इसलिए 700 रुपये में पेटीएम करवाया है, आया 500 का, दो बार फोन करके आया 500 का। हम मार गए सो, नहीं 700 का है, मेरे मारता घुसंडा भी। ये वीडियो सेंड करियो मेरी व्लॉग है, ये छोटी बात नहीं करता मैं, वीडियो सेंड कर दियो, चल तेरी है। हाँ भाई इसको 2-4 गालियाँ लिखना। नहीं भाई नहीं, दिल से बुरा लगता है, अब लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। तेरी ट्रिप तो मन्नू से भी भैड़ी है, अब लाइक सब्सक्राइब नहीं करते यार, दिल से बुरा लगता है। चल भाई यहाँ से। भाई ये चेक करो SBD बेल्ट, जो ये नई बेल्ट खरीदी है उसने मेरे को पप्पी दी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कमर पे, और भाई इतनी वो है ना नील पड़ गया भाई नील, क्या करूँ इसका मैं। बाकी भाई अभी हम बाहर खाने जा रहे हैं, मम्मी का बर्थडे, लेट्स गो, मैं भी तैयार होता हूँ ठीक है। So guys, one more cake, then we will go out. Third cake, second में मैं थान। To you. Happy birthday, dear Bobby. Happy birthday to you. चला तो भाई ये कुत्ता जो है ना, इसकी कहानी पता चली है मेरे को, वही वाला है ये। तो इसका ये सीन है कि ये हमारे घर के पीछे ही था, तो ना एक फैमिली उठा के ले गई थी इसको, मतलब उन्होंने पाला था इसको ठीक है, तो इसने अबे चुप होना यार, तो इसने उनकी छोटी बेटी को काट लिया था, तो वो इसको अबैंडन करके दोबारा हमारे घर के आसपास छोड़ गए, मेरे को आज पापा ने बताया, और मेरे को काफ़ी बुरा भी लग रहा है। बट भैया इसको प्यार करने जाओ तो ये काटने को हो जाता है, और पता नहीं इसका क्या इशू है भाई, आप नीचे बताओ अगर आपको कुछ थोड़ा सा ही पता है तो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको पाल वाल लूँ, थोड़ा खिला पिला दिया करूँ, बट काटने को होता है तो भाई मेरे को भी डर लगता है ना, तो नीचे बताओ ज़रा क्या करा जाए, जिनको कुत्तों में एक्सपीरियंस है। टुनाइट्स डिनर एट मंजीत जेल रोड जनकपुरी, बाकी आपको रिव्यू देता हूँ खाने के बाद कैसा था। सो गाइस ऊपर आ गए हैं, बड़ी भूख लग रही है, सुबह 2 बजे का खा रखा है एंड वेटिंग फॉर फूड, सिर्फ वेज खाऊंगा आज क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, तो पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला, दाल मखनी और क्या मंगाए, मलाई कोफ्ता, बस नो चिकन टुडे। बोलो भाई इसकी कुछ बात पता चली है जो आंटी ने मम्मी को बता दी है, और ये उछल रहा नहीं, बोलो तेज बोलो यार, हद हो गई, बोलो अरे बोलो यार, बोलो चबील में जब काट रहे थे वहां मिली।
भाई तू तो बहुत ही लीचड़ आदमी है। छबील मिलने को तो क्या होता है? तो छबील में छबील पीते हैं, तू बोतल वहाँ से नीचे। भाई बहुत तेज बनता है, कहानियां बनाता है ऐसे, एक से एक कहानियां। आज आप पंजा लड़ाएंगे ठीक है, और मैं फिर लिख दूंगा स्टेट चैंपियन के साथ पंजा, ठीक है? बाकी जो समझ गया नीचे कमेंट कर दो। चल दो फिंगर से और हवाबाजी करूंगा ना। चल सीधा कोफ्ते में मारता है इसका, बच गया इतना सा। मेरे यहां दर्द होते रहता है क्योंकि मैं स्कूल में सीखता था। स्टेट चैंपियन को तुम्हारे भाई ने हरा दिया है, दो फिंगर। अब तू अपने जैसा एक और स्टेट चैंपियन लेके आ, तुम दोनों को फिर अकेले मैं रहूंगा ठीक है। तो भैया ने हमें सर्व करा था, थैंक यू सर्व करने के लिए ठीक है। भाई ऐसे भाइयों को ढंग से बात कर लेगा और उनको भी अच्छा लगता है, बाकी आप यूट्यूब पर देखना ठीक है। सो गाइस ओके, वीडियो यहीं तक थी, कैसी लगी नीचे कमेंट से बताना। और फाइनली मैं लाइफ को एंजॉय करने लगा हूँ। पहले ऐसा होता था कि लिफ्ट करने जिम जाने में भी बड़ी मौत सी आती थी, तो मेरे लिए मेरे को मतलब मैंने फिगर आउट कर लिया कि वर्क लाइफ, एथलीट लाइफ और क्या कहते हैं सोशल लाइफ, ये तीनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी तक सफल हो रहा हूँ, बाकी देखते आगे जाके। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर जाना। मिलता है अगले वीडियो में, बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।